जी, मेरा नाम अनिल खेड़ा। अनिल जी, आज का ये रोजा इफ्तार पार्टी आपने मनाई है, इसका क्या प्रमुख कारण है और क्या रिस्पॉन्स है? इसका प्रमुख कारण तो ये है कि मेरे दिलों में बहुत दिनों से चाह थी कि मैं रोजा इफ्तार पार्टी का करूं, क्योंकि सभी धर्म में मैं विश्वास रखता हूं और सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आज हम जात पात भेदभाव में बट गए हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम कुछ और ना बन सके तो सिर्फ एक इंसान और एक अच्छे हिंदुस्तानी बन सके। इसीलिए मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज आप यहाँ देख ही रहे हैं, सभी धर्म एक साथ एक दूसरे को हाथ मिला के खड़े हुए हैं और मैं ये चाह रहा हूँ। और आज खुशकिस्मती से मेरा जन्मदिन भी है, मैं चाहता था कि अगर अल्लाह मुझे दुआएं दे रहा है तो मुझे राम भी दुआएं दे, मुझे जीसस भी मुझे विशेष दे और बाकी भोले बाबा हमारे साथ ही हैं, राधा रानी हमारे साथ ही हैं। इसलिए मैंने सभी धर्मों को मिला के सभी अपने बड़े भाई मुस्लिम भाइयों के लिए ये सब कुछ रखा। मैं हाफिज रईस अहमद, बुढ़ेला गांव से रहने वाला। आज की रोजा इफ्तार पार्टी पहली इफ्तार पार्टियों से कैसे अलग है? आज की रोजा इफ्तार पार्टी बहुत ही खास है और इस रोजा इफ्तार पार्टी को इंशाल्लाह मैं सारी उम्र याद रखूंगा। यहाँ मैंने एक अजीब और बहुत अच्छी रौनक और चहल पहल देखी, एक भाईचारा जो अब से पहले देखने को बहुत कम मिलता है। और मैं दिल से अपनी तरफ से और अपने सारे ही मुसलमान भाइयों की तरफ से, मुसलमान साथियों की तरफ से, अपने मुसलमान समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज कल्याण सोसाइटी की तरफ से भाई अनिल खेड़ा जी को बहुत बहुत हार्दिक दिल की गहराइयों से जन्मदिन के मौके पर शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। धर्म के नाम पर कई मतभेद हैं, कई लड़ाइयाँ हैं आपस की, वो आज यहाँ रोजा इफ्तार पार्टी में खड़े हैं, क्या कारण? देखिए जी, कारण ये है कि हमारे मुस्लिम समाज के जितने भी हमारे भाई हैं और हम देखिए हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है और हमारा ये मानना है कि सभी जितने भी चारों धर्म हैं सभी एक हैं और इनसे अलग और संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो हमारे इन संसार के ऐसे लोगों ने अलग अलग धर्मों में जो है अपने धर्म को बांट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, ईश्वर हमेशा एक है और हमेशा जो एक ईश्वर है वही सबकी सहायता करता है, वही सबका ध्यान रखता है। क्या लगता है कि यहाँ सभी को इंसानियत का पाठ देने की कोशिश की गई? जी हाँ, ये बिल्कुल ये सत्य बात है और इसमें आपको सभी देखा भी होगा, सभी मुस्लिम भाई, सभी ब्राह्मण समाज और सभी देखिए यहाँ पर अल्लाह और पीछे देखिए इन्होंने पूरे चारों वेदों चारों धर्मों का जो है प्रचारण और प्रसारण ये कर रहे हैं। इनके लिए मैं इनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत ये पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक इंटरव्यू मेरा नाम मनोज सलूजा है, मैं आज विकासपुर में आया हूँ। रोजा इफ्तार की पार्टी है जो भी चल रहा है इनका प्रोग्राम, वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, भाई हैं, सिख भाई भी बैठे हुए हैं, सारे धर्मों के एक ही मंच पर हम इकट्ठे होके एक जो भी हमने रोजा इफ्तार की पार्टी रखी है सब भाई इकट्ठे हुए हैं। हम एक मंच पर यही कहना चाहते हैं कि हर समय हर धर्म के लोग इकट्ठे रह के अब हिंदुस्तान में कोई भी काम हो हमें मिलजुल के करें। सबसे बड़ी खुशी इस चीज की है, मेरे भाई का आज जन्मदिन है और सबसे बड़ी बात है इसने इफ्तार की पार्टी रखकर हिंदुस्तान में ये बहुत बढ़िया चीज दिखाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, देखो भाई भाई। मेरे को सबसे बड़ी बात ये याद आती है, उस दिन मैं अपने नेता राहुल गांधी जी का इंटरव्यू सुन रहा था तो उसने ये कहा कि मैं एक बार बाहर गया हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के अंदर ही, जैसे मैं कलकत्ता गया तो उसने बताया जी मैं तो दिल्ली से हूँ, मैं वहां से हूँ।
उसने ये नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। मैं हर एक को यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो दिल्ली में क्या दिल्ली से बाहर जाए, हिंदुस्तान से बाहर जाए, लेकिन अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाए। और दूसरा, अपने हिंदुस्तान के जितने मजहब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको साथ लेके चले। मैं इसलिए अनिल खेड़ा जी को इसकी बधाई देता हूँ कि इन्होंने इफ्तार पार्टी आज रोजे के दिनों में रख के ये बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। तो मैं चाहूंगा कि हर धर्म के लिए करना चाहिए। धन्यवाद।